हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लेस है जिनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, दो प्लेस है, एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है। इन प्लेस के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों की प्लेस जो बीच की डिस्टेंस है वो यहाँ पे आपको दिख रही है 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है, एक कार बी से स्टार्ट होती है सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, मीट इन 5 आवर्स, 5 घंटे में मीट करते हैं। अब सीधी बात है, सेम डायरेक्शन में जाओगे तो कहीं मान लो यहां पे मीट कर जाओगे, हमने पी पॉइंट मान लिया, हमने मान लिया पी पॉइंट है। अब देखो एक चीज तो समझ में आती है आपको, एक कार, चलो कार बना लेते हैं, एक कार बना दे यहाँ पे। अच्छा कहोगे सर ये कैसी कार है, ठीक है, एक कार ये है और एक कार यहाँ पे है, ठीक है, जो बी पे है। इस कार को बी बोल देंगे, इस कार को ए बोल देंगे, ये दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती हैं, सेम डायरेक्शन में, और मान लो 5 घंटे बाद यहाँ मिल जाती हैं और यहाँ से हम कंडीशन बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पीड लेट कर लूँ, देखो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ कार निकालना है, तो स्पीड ऑफ कार ए, हम ए मान लेते हैं, जो इधर वाली कार है ना, कार ए बोल देते हैं, स्पीड ऑफ कार को लेट कर लें, लेट स्पीड ऑफ कार ए बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और कार बी की स्पीड को अगर हम वाई मान लें, कार बी को हम वाई किलोमीटर पर आवर मान लें, ठीक है, यानी इसकी स्पीड एक्स है उसकी स्पीड वाई है। अब दोनों 5 घंटे में पी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, मान लो मिल जाएंगे यहां पे, तो आप मुझे बताओ, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में इतना बता दो, अगर कार ए की स्पीड एक्स है और टाइम 5 घंटा है, 5 आवर्स है, तो कार ए ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, मतलब कार ए ने यहां से लेके यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, एपी बता सकता है कोई, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार ए, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकता कितना होगा, कितना होगा बता दो। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस निकालनी है मुझे यहां से लेके यहां तक की, तो भाई सीधी सी बात, एक कॉमन सेंस आप लगा लो कि डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इनटू टाइम होता है, इसकी स्पीड है एक्स और टाइम कितना लग रहा है 5, तो क्या वो 5x नहीं हो जाएगा। तो सिमिलरली कार डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार भी कितना हो जाएगा, यहां पे भी स्पीड हमारी वाई है, टाइम तो 5 ही लग रहा है, तो क्या इसकी डिस्टेंस 5y हो जाएगी, यानी यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, क्या वो 5y के बराबर होगी, यस और नो, यानी ये डिस्टेंस है 5x और ये डिस्टेंस है 5y। क्या आपको इतना सा समझ में आता है, आपको यहां से आता है। तो अगर मैं यहां पे एपी लेंथ की बात करूं, एपी, तो एपी जो लेंथ है यहां से यहां तक, वो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एबी प्लस का बीपी, एबी प्लस का बीपी, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। एपी की जो लेंथ है देखो यहां से लेके यहां तक है 5x है ये, एबी की बात करें यहां से यहां तक 100 है, और अगर मैं बीपी की बात करूं यहां से यहां तक ये 5y है। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया, इसका मतलब है अगर 5y को LHS में लिया जाए तो क्या ये 5x माइनस का 5y बराबर 100 होगा, यानी 5 से डिवाइड कर दें तो x माइनस y बराबर क्या 20 आ जाएगा। क्या ये हमारी पहली कंडीशन होगी, क्या ये हमारी पहली कंडीशन होगी, x माइनस y बराबर 20। अच्छा जी, अब क्या करना होगा, अब दूसरी कंडीशन बनानी है, क्या, इस बार हमारा जो प्लेस है ए और बी, इस बार जो हमारा प्लेस ए और बी है, अब जो कार है ना दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, यानी एक कार इधर से आ रही है और एक कार इधर से आ रही है, और ये दोनों कार जो है बेटा वो 1 घंटे पे मिल जाती हैं 1 आवर में। तो आप बताओ अगर मैं एपी लेंथ निकालना चाहूं, क्योंकि स्पीड तो एक्स है और इसकी स्पीड वाई है, टाइम लग रहा 1 आवर, तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है इस वाले केस में, स्पीड एक्स है, टाइम 1 आवर है, तो क्या एपी एक्स आ जाएगा। सिमिलर
यहां से यहां तक की अगर मुझे डिस्टेंस बीपी निकालना है तो कितना आएगा? स्पीड वाई है, टाइम वन आवर लग रहा है, तो क्या वाई इंटू वन से वाई आ जाएगा? यानी ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक एक्स है और ये वाई है, और तुमको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी की जो लेंथ है वो 100 है, यानी एक्स प्लस वाई क्या आपका 100 के बराबर होगा? दिस इज अवर सेकेंड कंडीशन। यहां पे अगर देखा जाए तो मोटा मोटा अगर मैं आपको समझाऊं तो क्या यूज हो रहा है यहां पे बेटा, ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जिसमें आपको अप्लाई करना है स्पीड इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं शॉर्ट में एक बार रिवाइज करवाऊं इस क्वेश्चन को तो हुआ क्या है, अब दो सॉल्व तो ही जाएंगे, भी सॉल्व कर ही देंगे, मैं आपको एक बार जल्दी कॉन्सेप्ट समझा दूं। यहां पे स्पीड एक्स ली, टाइम स्पीड वाई ली, तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई 5x, इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई 5y, क्यों? टाइम है, टाइम लिया 5 आवर्स, स्पीड है एक्स, तो स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस मिलता है, तो ये 5x हो गया, ये 5y हो गया, तो हमने यहां से एक कंडीशन बना ली। फिर यहां पे 1 आवर लग रहा है यहां पे टाइम, तो एपी लेंथ क्या हो जाएगा? स्पीड और टाइम है 1 आवर, तो x इनटू 1 से ये x आ जाएगा, ऐसे ये बीपी कितना आ जाएगा? y इनटू 1 से ये y आ जाएगा, तो ये x है और ये y है, तो x प्लस y कितना आ जाएगा? 100 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? 100 के। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, अब इनको हम कर देंगे सॉल्व, और यहां से हमें एक्स वाई मिल जाएगा। तो एक्स प्लस वाई अगर 100 के बराबर है, और एक कंडीशन क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 20, दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, ठीक है, तो वाई से वाई कट गया, तो 2x बराबर 120, तो x कितना आ जाएगा 60, और अगर x 60 है तो y कितना होगा? x प्लस वाई अगर हमारा 100 है तो x हमारा 60 अगर आ गया तो क्या y की वैल्यू 40 आ जाएगी? समझ में आ गया? तो कार की स्पीड हमें पता लग गई 60 और 40, तो यानी कार जो a प्लेस पे है, हमारे कार a की स्पीड होगी कितनी? x है, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, और कार b की क्या हो जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आपको डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।